Students, today we are going to start the chapter 1, physical world, and the main topic first, fundamental forces in the nature. Actually, there are the four fundamental forces in the nature existing. First is a gravitational force. Second is weak forces, weak nuclear forces. Third is electromagnetic forces. And the last is strong nuclear forces. ठीक है, तो ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में एग्जिस्ट करने वाले सारे फोर्सेस, इन्हीं में से किसी भी फोर्स का एक टाइप होगा. बेसिक फोर्सेस है, ठीक है. अब एक एक करके हम लोग हर फोर्स के बारे में देखेंगे, वो किस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा वीकेस्ट है, और बाकी फोर्सेस के भी कंपैरिजन एक एक करके. तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर. ग्रेविटेशनल फोर्सेस का नाम आप इससे पहले भी सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हो. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू द देयर मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two body by virtue of their masses. Is called gravitational forces. ठीक है, अब इसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द टू बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ये जो फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कभी रिपल्सिव नहीं होता, ऑलवेज अट्रैक्टिव. नेवर रिपल्सिव.
और आपको अगर छोटी सी बात मालूम होगी तो याद करिए ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते थे, ये उसके अकॉर्डिंग ही गवर्न किया जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। What is the inverse square law? ये आप देख रहे हो कि force is inversely proportional to square of distance है ना, यहां देख रहे हो ना formula में, इसलिए इसको बोलते हैं inverse square law। Next property आप देख सकते हो, दे आर सेंट्रल फोर्सेस, ये सेंटर से काम करता है ना बॉडी के, इसको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, तो ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड ना करे तो उसको कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ लॉन्ग रोज रेंज फोर्स। देखो लॉन्ग रेंज आपको मालूम है कि सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तो ये ऑलरेडी काफी बड़ी डिस्टेंस है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, ये खैर बाद में पता चलता हूं लोगों को। इट इज द वीकेस्ट फोर्स among the these four type of forces, it is weakest force, सबसे कमजोर force होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। व्हाट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स टू इंट्रैक्ट विथ वन अनदर एंड विथ हैवियर पार्टिकल्स टू। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है। इट इज एक्टिंग बिटवीन elementary particles to interact with each other
एंड अदर हैवियर पार्टिकल्स। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एटम के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसी के साथ साथ ढेर सारे मीन्स सैकड़ों उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मेसॉन है, ठीक है, बारियन है, तो ऐसे बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एंड द एलिमेंट्री पार्टिकल हैविंग द वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, उनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, वो इतनी कम होती है कि न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज है नहीं क्योंकि अभी भी ये रिसर्च में चलता रहता है। आप एलिमेंट्री पार्टिकल से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल लगभग 50-60 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को सर्च कर लिया जाता है, तो बहुत ढेर सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अभी भी जो है रिसर्च के फैक्टर में काम करते रहते हैं। तो अभी इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं, जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत कम है, लिख लेते हैं। These forces are (10^26) times stronger than gravitational force. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10^26 टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, इट मे बी एट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे दो शब्द है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। अगर दोनों बातों को अलग अलग डिस्कस करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए कंबाइनली इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये कुछ बातें बता रहे हैं, चार्ज
चार्जेस एट रेस्ट, अगर चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वो क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और जो मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। These two phenomena are not independent. So commonly called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे ये लाइक पोल्स एक दूसरे को रेपल करते हैं और अनलाइक फोर्स पोल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। दे आर सेंट्रल फोर्सेस, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, they are 10 to the power 36 times stronger than gravitational force. जो फोर्थ है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है ये आप देख रहे हो कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस फोर्स से एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन
न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स inside the nucleus to hold together is called strong nuclear forces. ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका, वो है they are basically attractive force. They do not obey inverse square law. ये inverse square law को follow नहीं करता है. They are non-central forces. They are non-conservative forces. They are 10 to the power 39 times stronger than gravitational forces. ठीक है, अगर हम लोग चारों फोर्सेस को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? Comparison of forces. देखिए क्या हो सकता है. एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो, एफ डब्ल्यू मीन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स रेशियो, एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स ईएम एंड एफ एस मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इनका जो रेशियो होगा ये होगा 1 रेशियो 10 टू द पावर 26 रेशियो 10 टू द पावर 36 रेशियो 10 टू द पावर 39. ठीक है, ये बहुत ज्यादा रेशियो 10 टू द पावर 26 या 10 टू द पावर 39, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है. ठीक है, तो ये इस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा हो जाएगा?
हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक फोर्स कौन सा हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये इन सारे फोर्सेस के बीच में कंपैरिजन है। इसको यहां पे ठीक कर लीजिए आप लोग, ये 10 टू द पावर कितना होना चाहिए? 39 होना चाहिए। ठीक है, 10 टू द पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये एक और चीज आप लिख सकते हो यहां पे कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। In the nature,